सर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। आप महिलाओं को कर्मकांड कराने का, शनि पूजा का अधिकार दिलवाने वाली भारत की प्रथम महिला पुरोहित हैं। शनि देव से संबंधित सभी दोषों की ज्योतिष्य, पौराणिक व वैदिक पद्धति से शांति अनुष्ठान कराने वाली आप भारत की पहली महिला एस्ट्रोलॉजर है। 1997 में आपके स्वप्न दर्शन पर आधारित आप श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर धमधा दुर्ग छत्तीसगढ़ की आप संस्थापिका हैं। सन 2000 में स्थापित N2 सिडको शनि मंदिर छत्रपति संभाजी नगर की आप संस्थापिका हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में स्थापित श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंच तत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। द्वितीय व तृतीय दिन के दीप प्रज्वलन में शिवसेना सांसद माननीय श्री चंद्रकांत जी खैरे और बीजेपी के विधायक माननीय श्री हरिभाउ बागडे जी ने भी भाग लिया। साथ ही औरंगाबाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री संदीपान भूमरे, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अतुल सावे जी, केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्री भागवत कराड जी, विधायक श्री संजय सिरसाट जी, विधायक श्री प्रदीप जायसवाल जी, विधायक श्री तनवानी जी जैसे आदि अनेक प्रसिद्ध राजनेताओं ने भी आयोजन में अपना पूर्ण समर्थन दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सदगुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैगी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। 26 जून को शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए सभी संतों ने मिलकर दीदी जी को भरपूर मंत्रों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ अपना अपना आशीर्वाद दिया। सुभारती टीवी के CEO श्री RP सिंह जी सपरिवार मैडम विभा सिंह सहित इस आयोजन में उपस्थित थे। साथ ही प्रोड्यूसर श्री गुंजेश ओझा जी सहित सुभारती टीवी की टीम की ओर से साधिका दीदी जी को स्पेशल पुष्पहार पहनाकर उनका सत्कार किया। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र मराठवाड़ा साथी पेपर के प्रमुख एवं बंसल क्लासेस संस्था के संचालक परली के श्री चंदूलाल बयानी जी, माहेश्वरी समाज औरंगाबाद महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री जगदीश बयानी जी ने श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के ट्रस्टी होने की हैसियत से संत सेवा कार्यों में सपरिवार पूर्ण समर्पण दिया। साथ ही प्रिंट मीडिया के द्वारा संत सम्मेलन कार्यक्रम की सफलता हेतु भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौशाला के प्रमुख छाया अग्रवाल व श्री शनि आश्रम औरंगाबाद के ट्रस्टी सारा बिल्डर श्री सीताराम अग्रवाल जी ने शनि साधिका दीदी जी के धर्म भाई होने का कर्तव्य निभाते हेतु श्री शनि आश्रम की संपूर्ण व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी शनि भक्तों का आए हुए आमंत्रित निमंत्रित महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर
भागवताचार्य, वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता सभी का आज इस शनि मंदिर आश्रम चिकलथाना में आगमन हुआ है। मैं प्रवीणा कन्नड़कर सहृदय आप सभी का यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको कल जिन संतों का दर्शन हुआ वो भी यहाँ पर विराजमान है, और आज भी और सभी महाराष्ट्र की से और महाराष्ट्र के और से और बाहर से भी ऑल इंडिया से संतगण महात्मा विभूति पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज से सभी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद प्रवीणा जी। मैं शनि साधिका डॉक्टर विभासरी शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जहाँ पर जून महीने में विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन हुआ, जिस संत सम्मेलन का विषय था पंच तत्व ज्ञान, पंच तत्व सुरक्षा और संतुलन। मैं इस आयोजन की संचालिका होने के कारण इस पूरे ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, और जो मैं अभी आपको इस विषय में सारगर्भित बातें बताने जा रही हूँ, उसका पूरा निचोड़ यह है कि हम हमारे जीवन में यदि पंच तत्वों का संतुलन बनाकर नहीं रखेंगे, पंच तत्वों से संबंधित ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे, तो हम आरोग्यवान कैसे होंगे, हमारी लंबी आयु के मालिक हम कैसे बनेंगे। हमने यहाँ पर 24 जून, 25 जून और 26 जून को एक पंच तत्व महोत्सव, पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन किया था, जिसके लिए हमने एक राष्ट्रीय संत सम्मेलन का कार्यक्रम रखा था। और राष्ट्रीय संत सम्मेलन में जो जो लोगों ने व्याख्यान दिए, अपनी प्रस्तुति, अपना शोध, अपने महत्वपूर्ण सारगर्भित ज्ञान के उपाय हमें बताए, ज्ञान की बातों से समस्याओं के समाधान बताए, उस विषय पर हमारा ये प्रति शनिवार को एपिसोड आप देख रहे हैं। मैं इस कड़ी में आगे आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे पंच तत्वों से संबंधित ये हमारी पांच उंगलियाँ होती हैं, और पांच उंगलियों से संबंधित हमारे सारे मुद्रा आदि के ज्ञान होते हैं, और वो सब हमारी योग विद्या में, चिकित्सा में काम में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन पंच तत्वों का बहुत गहरा महत्व है। बिना इनके ज्ञान के हम हमारी बीमारी को नहीं समझ सकते और हम हमारा इलाज नहीं कर सकते। कौन सी बीमारी कौन से तत्व से संबंधित है और कौन से तत्व की पूर्ति करने से वह बीमारी अच्छी हो सकती है, और कौन सा तत्व कम होने से उस बीमारी ने जन्म लिया है, और इसे कैसे संतुलित बनाया जा सकता है। वायु हमारी प्राण वायु बनकर हमें जीवन दान देती है। हम जो ये आध्यात्म में कहते हैं प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, सपानाय स्वाहा, ये क्या है? ये हमारी प्राण वायु के नाम है। ये जो वायु हमारे अंदर काम कर रही है उसके नाम है, और ये जो प्राण वायु है यही हमें जीवन दे रही होती है। जब तक ये हमारे जीवन में है, ये पांचों प्रकार की वायु जब तक हमारे जीवन में है, तब तक के हम दीर्घायु हैं। एक वायु भी यदि अपना काम करना बंद कर दे, प्राण वायु भी यदि हमारा साथ छोड़ दे, तो हमारे प्राणों का अंत हो जाता है। हमारे प्राणों को पोषने का काम ये प्राण वायु करती है। हम
जो भी चीज़ खाते पीते हैं, जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं, जितनी भी अन्य धान्य वस्तु हैं, जितने भी धातुएं या अधातुएं इस पृथ्वी के अंदर हैं, वे सब की सब पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती हैं। और पृथ्वी तत्व हमारा जड़ तत्व है। पृथ्वी तत्व जड़ तत्व, इसका मतलब यह है कि उसमें जान नहीं है, वह जड़ है। अब यदि इसके अंदर में वायु आ जाए, अग्नि आ जाए, जल आ जाए और आकाश का समावेश हो जाए, तो इसके अंदर में प्राण आ जाते हैं। यह पूरा शरीर हमारा पृथ्वी है, पर इस पृथ्वी के अंदर यदि वायु नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है और आकाश स्पर्श नहीं है, तो समझ लीजिए ये जड़ जो है ये मृत शरीर हो जाएगा। शरीर पृथ्वी है, तो पृथ्वी को संचालित करने वाला ये चारों तत्वों का समावेश मिलकर पंच तत्व निर्मित ये शरीरा, और यह शरीर पंच तत्व मिलकर चलाते हैं। तो हमारे जीवन में ना तो हम बिना हवा के जी सकते, ना बिना जल के जी सकते, और बिना खाना खाए भी हम रह नहीं सकते, और अग्नि के बिना हम पुष्ट नहीं हो सकते। अग्नि ही तो पाचक रस बनाती है, और अग्नि हमारे शरीर की गर्माहट है जो हमें ऊर्जा दे रही है। आकाश हमारी प्रत्येक भावनाओं को, मन को, आत्मा को पोषता है। पृथ्वी ये शरीर है, तो आकाश हमारी आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर के अंदर में है तब तक यह शरीर काम करता है, और आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया तो शरीर निर्जीव हो जाता है। हमारे संत सम्मेलन में यहाँ पर ये सारी बातें स्पष्ट हुई कि कहाँ हमारी आत्मा दुखी है, कहाँ हमारा शरीर दुखी है, और क्यों ये प्रकृति में दुख फैल गया है। क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट करने का अभियान चालू किया है, तो जब हम प्रकृति को नष्ट करेंगे, हम अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए जब प्रकृति को बर्बाद करेंगे, तो फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ आबाद रह जाएंगे। हमारी लाइफ स्टाइल ने कितनी ऊर्जा खर्च की है, हमारे अंधविश्वासों ने और हमारी लाइफ स्टाइल ने कितनी जल की बर्बादी की है, कितना ज़्यादा हमने वायु को प्रदूषित किया है, और कितना ज़्यादा हमने मन को बीमार किया है, यानी आकाश तत्व को बंधित किया है। फिर हमारा यह पृथ्वी की संज्ञा का पाने वाला स्थूल शरीर कहाँ ठीक ठाक रहने वाला है। इतना सा यदि मर्म समझ में आ जाता है तो हम सब अपने खुद चिकित्सक बन जाते हैं। मैं छोटी सी बात किसी संत महात्मा की आपको सुनाना चाहती हूँ, जो हमारे संत सम्मेलनों में उन्होंने खुद कही है। आप जानेंगे कि इतने इतने विद्वान संत जब जून 2023 के संत सम्मेलन में हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपने अपने ज्ञान तत्वों को इस पृथ्वी बचाओ आंदोलन से जोड़ रहे थे, पंच तत्व के संतुलन बनाए रखने की बातों के लिए जहां अपना समय दे रहे थे, वहां उन्होंने इतने विशिष्ट ज्ञान का लाभ हमें दिया है कि उसे यदि हम जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं, हम पूरे विश्व का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो सबका भला चाहता है उसका भला अपने आप ही हो जाता है।
हमने सर्वे भवन्तु सुखना की बात को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया था। इसके कुछ ज्ञान के सार गर्भित शब्द हम हमारे यहाँ पधारे एक अतिथि संत महात्मा के द्वारा आपको सुनाने जा रहे हैं, तो सुनिए। उसके बाद में फिर चिंतन मनन कीजिए कि हमें इस पर चलना कैसे है। हमारे इस भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति या कृषि संस्कृति वाला कहा जाता है। ऋषि और कृषि दोनों ही संस्कृति के लिए गौ माता को उपस्थितांत आवश्यक है। जैसे ही हम ऋषि का नाम लेते हैं तो सहसा ही हमारे मन में एक कल्पना जागृत होता है, एक दृश्य देखने दिखने को लगता है कि ऋषि हैं, मतलब आश्रम में रहते होंगे, आश्रम है तो उसके किनारे में कोई सरोवर या नदी नाले, और ऋषि हैं तो हवन यज्ञ जरूर करते होंगे। और हवन यज्ञ तभी संभव है जब गौ माता की उपस्थिति होगी। और आश्रम है तो गौ माता निश्चित रूप से वहां बंधी हैं। और गाय से दूध, दूध से दही, दही से जब घी बनेगा तब कहीं जा करके हम यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। और जब तक गौ माता उपस्थित नहीं है तब तक के हम हवन यज्ञ नहीं कर सकते। तो ऋषि संस्कृति के लिए भी गौ माता को उपस्थितांत आवश्यक है। हम कृषि की जब बात करते हैं तो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज सनातन से ही खेती किसानी करते आए हैं। तो गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, अब बैल से ही हल चला करके हमारे पूर्वज खेती किसानी करते आए हैं, तब कहीं जा करके किसानों को आज भी अन्नदाता कहा जाता है कि किसान अन्न पैदा करते हैं। अब किसान स्वार्थी नहीं होता, किसान पैदा करता है, मेहनत करता है, अब पूरे हमारे देश का विदेश के भी भरण पोषण वो करता है। तो निश्चित रूप से गौ माता वो माता है जिसे हम माता कहते हैं। कहा भी गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। अब विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सब की माता गौ माता है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हमने यदि एक गौ माता की सेवा कर लिया तो समस्त देवी देवताओं की सेवा करने का फल है, उसकी प्राप्ति होती है। इस नाम से ही हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आदरणीय स्वामी जी ने इस धरती का, जिसे मातृभूमि कहते हैं, उसमें कितना प्रदूषण फैल चुका है इसके विषय बहुत बारीकी से वैज्ञानिकों ने जो तथ्य दिया है उसको आपने सामने रखा है। जैविक खेती के विषय बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन यदि जैविक खेती की को बढ़ावा देना है तो गौ माता का उपस्थितांत आवश्यक है। क्यों? गौ माता के गोबर से ही हम खाद बना करके यदि हम अपने फसलों में डालें, अपने खेतों में डालें और रासायनिक खादों का उपयोग ना करें तो पंच महाभूतों में से एक महाभूत का रक्षा तो हम ऐसी ही कर सकते हैं। यदि हम यही संकल्प ले लें कि हमको केवल गौ माता गोबर से बने हुए खाद का ही उपयोग करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमको केवल संकल्प लेने का अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। यदि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो हमें देख करके लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वैसी कार्य करते रहेंगे। लेकिन अधिक पैदावारी हो, मुझे अधिक फसल मिले, अधिक उसका आय मिले, उसका कीमत मिले, ये सोच करके रासायनिक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम लोग उन पांच महाभूतों के हित में नहीं सोच रहे, उनके संरक्षण समर्थन विषय में नहीं सोच रहे हैं। और आदरणीय विभा जी ने बहुत मेहनत कर, बहुत संकल्पित होकर के जब कनेरी पीठ में यह कार्यक्रम फरवरी में हुआ उसी समय आपने संकल्प लिया, और जैसे आपने बताया कि होली का महोत्सव चल रहा था श्री दुहाधारी मठ रायपुर में, और उस होली के महोत्सव में आप उपस्थित थे और वहाँ उन्होंने कहा कि आपको आना है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। सुन करके
मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो समाज में अपना क्या दायित्व है उसको समझ करके समाज के हित में लोगों को सचेत करने का काम करने का बीड़ा किसी ने उठाया है। क्योंकि हम आश्रम में रहते हैं, हमारे अनुयायी रहते हैं और जो हम कहते हैं उसको वे लोग पालन करते हैं, मानते हैं। तो आज आपने धार्मिक स्वरूप के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करते हुए इन पंच महाभूतों के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आपने बीड़ा उठाया है, आपने संकल्प लिया है और इतने हमारे संत महात्माओं को आश्रम से यहाँ आपने अपने आश्रम बुला करके चिंतन करने का अवसर आपने प्रदान किया है, तो जितने प्रशंसा किया जाए वह कम ही है। अभी तक के नारी को अबला कहा जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस उक्ति को किनारे करते हुए आदरणीय विभा जी ने नारी अबला नहीं सबला है और सबको मार्गदर्शन कर सकती है, एक समाज में सुधार लाने का काम कर सकती है, ये आपने लोगों को दिखाया है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपका यह त्रिदिवसीय संत सम्मेलन जो राष्ट्रीय संत सम्मेलन है पंच महाभूतों की रक्षा के लिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि सफल आयोजन है और सभी यहाँ हमें संत महात्मा जो आए हैं इसी बात को लेकर के सभी हमारे समाज के प्रमुखों को वो अपने चिंतन से अवगत कराएंगे। अब मुझे आशय ने पूरा विश्वास है जब 26 तारीख को सभी भक्तगण यहाँ से जाएंगे तो इन पंच भूतों के रक्षा के लिए, संरक्षण के संवर्धन के लिए वो संकल्पित होकर के जो भी छोटी छोटी बात वो कर सकें, जल के संरक्षण के लिए, इस धरती माता के संरक्षण के लिए, वायु के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये सब प्रदूषण के कारण ही आज यह स्थिति बना है, तो सब संकल्प ले लें। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र की इस धरती से यदि शंखनाद हुआ है तो निश्चित रूप से पूरे भारत और कोने कोने समय संत महात्मा आए हैं, आपके अनुयायी बहुत हैं, तो जो चिंतन वैज्ञानिक कर रहे हैं और अभी तक के उनको कहीं कोई इसको दूर करने कोई उपाय नहीं सूझ पाया है, मुझे ऐसा लगता है कि शनि आश्रम के इस संभाजी राव नगर से यह लोग लेकर जाएंगे इस बात को, तो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने केवल 2030 तक का समय दिया है कि उसके बाद यह स्थिति हो जाएगी। और जब यहाँ से संकल्प लेकर के सभी लोग अपने घर में जाएंगे, अपने परिवारजनों को, मोहल्ले वासियों को, नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को, अपने प्रदेश वासियों को जब इस बात को सुनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जितने लोग बैठे हैं यदि इसकी चर्चा वो अपने मोहल्ले जाके, गांव में जाके, आश्रम में जाकर करेंगे कि मराठवाड़ा में शनि आश्रम इस प्रकार की बात हुई है, इसको अपने को बचानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को आज तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए उस काम को संत महात्मा करके एक स्वस्थ और बहुत अच्छा ये वातावरण बनाएंगे जिससे पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ आदरणीय विभा जी को और सभी हमारे संत भगवान जो यहाँ पधारे हैं उनको, जिन्होंने इस चिचिलाती धूप में भी वातावरण का भी कहीं कोई परवाह किए बगैर यहाँ आए हैं। तो कहा जाता है संत जो होते हैं वो सबके हित की बात सोचते हैं, क्यों कहा भी गया है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो आप सब ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोच करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, मुझे आशा है पूरा विश्वास है कि आप दुगुने उत्साह के साथ इस बात को लेकर जन जन तक पहुंचाएंगे और एक अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण समाज सुधार के लिए और पर्यावरण सुधार के लिए, पंचभूतों के सुधार के लिए हो पाएगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। मुझे आपने आमंत्रित किया, मैं यहाँ तक पहुँच पाया, आप सभी संतों का दर्शन मुझे हो पाया, ये मेरा अपना सौभाग्य है और गौ माता की सेवा हम जितना भी करें वह कम ही है, क्यों गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने
इसी बात को श्रीरामचरितमानस में लिखा है कि विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार। हमारी आपकी बात को छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जिन्हें हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक कहते हैं, रघुकुल शिरोमणि कहते हैं, उनका भी प्रादुर्भाव मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर हुआ तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन करने के लिए ही हुआ है। हमारे बहुत सारे संत महात्मा यहाँ संत भगवान विराजमान हैं, भागवताचार्य भी विराजमान हैं, भागवत कथा आप कहते हैं, सुनाते हैं, श्रवण कराते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल है। गौ माता के चारण करने के नाम से, गौ माता का सेवा करने के नाम से उनका नाम गोपाल पड़ा। तो भगवान कृष्ण अपना गोपाल कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव इस धराधाम में गौ माता का संरक्षण संवर्धन के लिए हुआ है। तो हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसे सर्वदेवमयी विश्व वंदनीय गौ माता की सेवा हमको आपको सबको संकल्पित होकर के करनी चाहिए। आज प्रातःकाल ही मैं मनोज बोरा जी हैं, जिन्हें मामा जी के नाम से आप सब जानते हैं, श्री महावीर जैन गौशाला वो संचालित करते हैं। दीदी जी प्रातः 7 बजे से ही हम लोग वहाँ गौ माता के दर्शन के लिए, सेवा के लिए वहाँ गए थे। देख करके बहुत अच्छा, लगभग 400 गौवंशी का वहाँ सेवा हो रहा है। आते आते आपके द्वारा जो गौशाला संचालित है, जिसमें आदरणीय अग्रवाल जी उनके श्रीमती सेवा दे रहे हैं, वहाँ भी हमने आते आते देखा है। तो बहुत अच्छा सेवा का कार्य आप सब कर रहे हैं और इसको हमको और विस्तार देना है और आगे फैलाना है। और आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा ऐसा विश्वास करता हूँ। यह भी तो प्रथम दिन है, यह उद्घाटन सत्र ही है। और मैं भगवान राघवेंद्र सरकार जी से, गौ माता जी से, शनि देव भगवान से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब सुख शांति से रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, दुख दर्द आप सबसे कोसों दूर रहे। और आदरणीय डॉक्टर विभा दीदी जी, विभा श्री दीदी जी के द्वारा जो आयोजित हुआ है, उनका जो संकल्प है वह सानंद और निर्विघ्न यह 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो और जो संकल्प उन्होंने किया है वह आगे फलीभूत हो, यहाँ से एक शंखनाद हो जिसको आप जन जन तक पहुँचाए, ऐसी मैं कामना करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम सोली श्याम रामचंद्र की, गौ माता की, शनि देव भगवान की जय। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे थे। हमारे जो विद्वान ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें आरोग्यवान और आयुष्मान रहने के लिए जो ज्ञान विज्ञान दिया है, जो धरोहर धर्म की दी है, वह सब हमारे लिए प्राउड करने योग्य है। हम सब आज यदि संतों के बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हम हमारे जीवन में तन से, मन से, धन से, जीवन से बहुत ही सुखी और संपन्न हो सकते हैं। हम सुभारती संवाद साधिका विभा श्री दीदी के साथ वाले इस कार्यक्रम में हर शनिवार को इसी समय पर किसी महत्वपूर्ण ज्ञान की चर्चा को लेकर आपसे मिलते रहते हैं। और अभी जब तक यह हमारा संत सम्मेलन का विशेष प्रसारण चालू है पंचतत्व सुरक्षा के लिए, तब तक आप प्रत्येक शनिवार को एक विशेष संत महात्मा की अमृतवाणी से अपने आशीर्वाद से झोली जरूर भरेंगे। आप सबसे यह भी कहना है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और अधिक जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को देखें। शनिआश्रम.com की हमारी जो वेबसाइट है, साधिका विभा श्री दीदी वाली जो हमारी वेबसाइट है, उसमें आपकी हर समस्या का समाधान है। हमारे YouTube चैनल पर भी हमने बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो डाले हैं, संत सम्मेलन के भी बहुत सारे टिप्स डाले हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के वीडियो से, इस YouTube चैनल से
इसकी मैं रखे इसके द्वारा देखे जाने वाले वीडियो में आपको प्राप्त होगा, और शादी का डॉक्टर विभा श्री वाले यूट्यूब चैनल में भी आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।